मध्य प्रदेश के भिंड जिले में स्थित गोहद का किला भारतीय संस्कृति, वास्तुकला और नक्काशियों का अनूठा मिश्रण है। लगभग 520 साल पुराने इस किले को मध्य प्रदेश के सबसे ऐतिहासिक किलों में से एक माना जाता है, पर दुख की बात यह है कि अब इसके अधिकतर हिस्से आपको खंडहर हालत में ही दिखाई देंगे। गोहद के जाट शासकों को राणा की उपाधि दी गई थी और बताया जाता है कि ग्वालियर में राज करने वाले तोमर वंश के शासक मान सिंह तोमर ने सन 1505 में गोहद की जागीरदारी जाट शासक राजा सिंह देव द्वितीय को सौंपी थी और उसी साल में उन्होंने गोहद किला और गोहद राज्य की स्थापना की। इस किले की दीवारों और छत पर बेजोड़ नक्काशी की गई है और इसमें आज भी 500 साल पुराना वो गीजर सिस्टम मौजूद है जिससे यहाँ पानी गर्म किया जाता था। इस किले को ऐसी सुरक्षा दी गई थी कि इसको बनाने के लिए जिन सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया था उनके बारे में दुश्मन हमेशा जानना चाहते थे। यहाँ के महलों और कक्षों को देखकर आज भी लगता है कि ये उस जमाने में कितने खूबसूरत रहे होंगे। फिर चाहे वो यहाँ बना ये रानी का स्नान घर हो, आम जनता और खास लोगों से मिलने के लिए बनाए गए आम दरबार और खास दरबार हो, या फिर त्योहारों पर यहाँ का माहौल खुशनुमा बनाने वाला ये संगीत महल, इन सब चीजों के अलावा यहाँ के अखाड़े में रोजाना कुश्ती करवाई जाती थी और पास में ही एक शिव मंदिर भी हुआ करता था जिसके अवशेष कुछ साल पहले ही यहाँ पाए गए थे, लेकिन अब इसमें ना तो शिवलिंग है और ना ही इसकी स्थिति ठीक है। यहाँ एक गुप्त सुरंग भी मौजूद है जो सीधा धौलपुर में जाके खुलती थी। बताया जाता है कि इसी सुरंग से राजा भीम सिंह राणा भदौरिया राजाओं के आक्रमण से बच के भागने में समर्थ हुए थे, लेकिन अब ये सुरंग बंद है और यहाँ पूरी तरह से चमगादड़ों का कब्जा है। किसी जमाने में इस किले में प्रवेश करने के लिए 11 द्वार हुआ करते थे और आज भी यहाँ 7 द्वार मौजूद हैं। इस किले का परिसर काफी विशाल हुआ करता था, लेकिन अनेकों युद्ध, समय और मौसम की मार से अब इसके अधिकतर हिस्से खंडहर के रूप में बदल गए हैं और इसमें जंगली पेड़ पौधों ने अपना घर बना लिया है। मध्य भारत में इस गोहद के किले का काफी बड़ा महत्व रहा है। इस किले पर ज्यादातर जाट और भदावर राजाओं का और फिर मराठों का अधिकार हुआ करता था। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में और आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ जाट शासकों की शान माने जाने वाले गोहद के किले में और इससे जुड़ा रोचक इतिहास, वास्तुकला और तथ्यों से जुड़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो गोहद का किला मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर और भिंड दोनों से ही 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पहुँचने के लिए आपको पहले यहाँ के इस भीड़ भाड़ भरे मार्केट से और फिर इन सकरी गलियों से गुजर के पहुँचना होगा। वर्तमान में गोहद किले में प्रवेश करने के लिए ये सामने वाला द्वार उपयोग में लाया जाता है, लेकिन उस जमाने में यहाँ का मुख्य प्रवेश द्वार अलग हुआ करता था जो मैं आपको आगे चलकर दिखाऊंगा। अंदर प्रवेश करते ही आपको जर्जर स्थिति में कुछ इमारतें दिखाई देंगी जिनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ बना पानी का टांका और चक्की दिखाता हूँ। इस किले की सही तरीके से देख रेख ना होने की वजह से आपको यहाँ जगह जगह पर झाड़ झंकार ही नजर आएंगे और इन्हीं के बीच में ये टूटे फूटे पत्थरों को देखकर लगता है कि जैसे ये भी पहले कभी यहाँ बनी किसी इमारत का हिस्सा रहे होंगे। थोड़ा आगे चलने पर आपको ये चक्की दिखाई देगी जिसमें उस जमाने में इस किले को बनाने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाली सामग्री पीसी जाती थी। यहाँ ये जो खाने बने हुए हैं इनमें अलग अलग मसाले जैसे कि चूना, गुड़, उड़द, बजरी और कौड़ी भरे जाते थे
जिनको चक्की में पीस कर किले का निर्माण किया जाता था। इस चक्की के पास ही आपको एक विशाल पानी का टांका दिखाई देगा, जिसमें उस जमाने में पानी इकट्ठा करके रखा जाता था और प्रजा उस पानी को पीने और नहाने धोने के उपयोग में लाया करती थी। भले ही आज ये गोहद का किला खंडहर अवस्था में है, लेकिन इसके अंदर स्थित महलों को देखकर आप उस जमाने में पहुंच जाएंगे जब इस किले का निर्माण करवाया गया था। ये किला दो भागों में बना है, एक है पुराना किला और दूसरा है किले के सामने बना नया महल। पुराने किले से नए महल के बीच में पत्थर और ईंटों का रास्ता बनाया गया था। मैं बताना चाहूंगा कि ये गोहद का किला बैसली नदी के किनारे एक ऊंचे टीले पर स्थित है। राजपूत और जाट स्थापत्य कला के मिश्रण से निर्मित इस किले को बनाने के लिए ईंट, पत्थर, मिट्टी और चूने का उपयोग किया गया था। इस किले का निर्माण भले ही राजा सिंह देव द्वितीय ने किया था, लेकिन यहाँ के सबसे शक्तिशाली राजाओं में सबसे आगे राजा भीम सिंह राणा का नाम आता है, जिनको 1717 में गोहद की गद्दी मिली थी। वो भीम सिंह राणा ही थे जिन्होंने अटेर के भदौरिया शासकों से गोहद के बचे हुए हिस्से जीतकर इस किले पर पूरी तरह से अपना हक जमा लिया था। सन 1756 में भीम सिंह राणा के मृत्यु के बाद गिरधर प्रताप सिंह को गोहद की गद्दी सौंपी गई, लेकिन उनका मात्र 10 महीने में देहांत हो गया। जाटों के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक राजा सिंहदेव अपनी प्रजा और सुरक्षा को लेकर काफी सजग थे, इसीलिए उन्होंने गोहद राज्य में अपने लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत से किलों का निर्माण करवाया था। मैं बताना चाहूंगा कि ये गोहद का किला गोलाकार है, क्योंकि इस किले को बनाने के लिए जिस स्थान को चुना गया था वहां से बैसली नदी गुजरती है, जो कि एक गोलाकार मोड़ लेती है, जिस कारण इस किले का निर्माण भी ऐसे किया गया कि ये नदी उसकी रक्षा कर सके। इस किले की सुरक्षा के लिए इसके चारों ओर से 5 किलोमीटर लंबी ऊंची दीवारों से घेरा गया था। सुरक्षा के लिए यहाँ 4 पंक्तियों का निर्माण किया गया था, जिनमें एक नदी और 3 विशालकाय दीवार शामिल हैं, और इस वजह से इस किले में दाखिल होना लगभग नामुमकिन था। थोड़ा आगे चलने पर आपको किले का ये दरवाजा दिखाई देगा, जिसको स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, लेकिन किसी जमाने में यही किले का मुख्य द्वार हुआ करता था, जिसके ऊपर जाने के लिए दोनों तरफ में सीढ़ियां भी बनी हुई हैं। तो आइए ऊपर चलकर देखते हैं। तो वहां दूर तक भी इस किले का विशाल परिसर हुआ करता था और कई साल पहले तक भी इस दरवाजे तक सीढ़ियां हुआ करती थीं, जिनसे लोग किले के इस गेट तक आ जाया करते थे। लेकिन समय और मौसम की मार और देख रेख के अभाव में इन सीढ़ियों ने भी अपना दम तोड़ दिया है। यहाँ ये जो खुला हुआ मैदान आप देख रहे हैं, ये उस जमाने का अखाड़ा हुआ करता था, और इस सामने वाली इमारत में बैठकर राजा और रानी कुश्ती देखा करते थे। लेकिन अब ये इमारत भी आपको टूटी फूटी ही दिखाई देगी, और इसके नीचे बने कमरों में चमगादड़ों ने अपना घर बना लिया है। यहाँ एक गुप्त सुरंग भी मौजूद है, जिसके बारे में ये बोला जाता है कि वो सीधा धौलपुर में जाके खुलती थी। तो ये सामने में जो आपको जमीन के नीचे कक्ष दिखाई दे रहा है, यहाँ उस जमाने में सुरंग हुआ करती थी, और इसी सुरंग से राजा भीम सिंह राणा भदौरिया राजाओं के आक्रमण से बच के भागने में समर्थ हुए थे। लेकिन अब ये सुरंग बंद है और यहाँ पूरी तरह से चमगादड़ों का कब्जा है। ये किला इतना बड़ा हुआ करता था कि इसमें प्रवेश करने के लिए 11 से भी ज्यादा प्रवेश द्वारों का निर्माण किया गया था, जिनका नाम यहाँ के स्थानीय गांव के नाम पर रखा गया था। इस किले को इतना मजबूत बनाया गया था कि दुश्मन इसके निर्माण में लगी उन सामग्रियों के बारे में जानना चाहते थे जिससे इसको बनाया गया था। साल 2017 में आयोजित
यूनेस्को एशिया संस्कृति विरासत संरक्षण सम्मेलन में इस किले के संरक्षण कार्य के लिए यूनेस्को ने अच्छी खासी राशि भी दी थी, जिससे यहाँ का सुधार कार्य करवाना जरूरी था। लेकिन इसकी स्थिति देखकर लगता नहीं है कि यहाँ कभी कोई बड़ा सुधार कार्य करवाया गया था। यहीं बाई ओर में जो इमारत बनी है उसको आम दरबार या दीवाने आम नाम से जाना जाता है। इसके अंदर प्रवेश करते ही आपको एक चौक दिखाई देगा, जिसकी दीवारों पर बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई है। यहाँ ये जो मैदान आप देख रहे हैं, इस जगह पर राजा का दरबार लगा करता था और वो यहाँ आम जनता से मिलकर उनकी परेशानियों को सुनते थे और सही गलत का फैसला किया करते थे। अंदर के हिस्से को खास दरबार या दीवाने खास के नाम से जाना जाता है। इस जगह पर राजा का सिंहासन लगा करता था। वो अपने खास मंत्रियों और दूसरी प्रजा के राजाओं से यहाँ बैठकर मीटिंग किया करते थे। तो यहाँ आपको ऊपर और नीचे में कई सारे कक्ष दिखाई देंगे, जिनमें से कईयों की छत ढह चुकी है और कुछ बहुत ही जर्जर स्थिति में है। किसी जमाने में इस किले का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाने वाला ये खास दरबार भी अब देख रेख के अभाव में अपनी पहचान खोता जा रहा है। कुछ साल पहले गोहद किले में पुरातत्व विभाग द्वारा की गई खुदाई में कई अद्भुत और अनदेखे अवशेष मिले थे, जैसे कि जल निकास नाली, पानी का टैंक, पानी को गर्म करने के लिए भट्टियां और एक शिव मंदिर के अवशेष। पुरातत्व विभाग ग्वालियर के सब इंजीनियर आरबी शाक्य के अनुसार गोहद किले में जो व्यवस्था स्नान घर की है, वैसे इंतजाम केवल ग्वालियर किले में ही पाए जाते हैं। ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं, इसके दोनों तरफ में हमेशा सैनिक तैनात रहा करते थे, क्योंकि इसी दरवाजे से होते हुए रानी यहाँ बने स्नान घर में नहाने के लिए जाया करती थीं। थोड़ा आगे बढ़ते ही आपको ये खूबसूरत दरवाजा दिखाई देगा, जिस पर की गई नक्काशी को आप देखते रह जाएंगे। हैरान कर देने वाली बात ये है कि 500 साल पहले भी यहाँ बिना किसी मशीनों के इतनी सुंदर कलाकारी की गई थी। यहाँ आपको तरह तरह की आकृतियां दिखाई देंगी, जिनको ईरानी शैली का उपयोग करके बड़ी खूबसूरती से दीवारों पर उतारा गया है। इस इमारत को रानी के स्नान घर के नाम से जाना जाता है और कुश्ती देखने के बाद वो सामने बने इस कुंड में नहाने के लिए आया करती थीं। इस कुंड के चारों तरफ गलियारे बने हुए हैं और आप देखेंगे कि इस महल की दीवारों और स्तंभों पर खूबसूरत काम करके इसे सुंदर बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। अंदर चलने पर आपको यहाँ बना श्रृंगार महल दिखाई देगा। इस सामने वाली दीवार पर उस जमाने में शीशा लगा रहता था, जिसमें देखकर रानी तैयार हुआ करती थीं। यहाँ दीवारों और छत पर ऐसे रोशनदान भी बने हुए हैं, जिसमें उस जमाने में रोशनी और हवा अंदर आया करती थी। और ऊपर की मंजिल से जाकर देखा जाए तो ये रोशनदान कुछ ऐसे दिखते हैं। यहाँ से आपको ये भंडार कक्ष भी दिखाई दे जाएंगे, जिनकी छत अब टूट चुकी है। इन कक्षों में उस जमाने में गेहूं, चावल, दाल वगैरह इकट्ठा करके रखी जाती थी। यहीं अंदर में आपको उस जमाने का गीजर सिस्टम भी देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ बने टैंक में गर्म पानी रखा जाता था, जिसके लिए टैंक के नीचे बनी भट्टी में लकड़ियां जलाने की व्यवस्था की गई थी। गर्म और ठंडे पानी को चीनी मिट्टी के पाइप से स्नान घर और शौचालयों तक ले जाया जाता था। इन पाइपों में मौसम के हिसाब से ठंडे या गर्म पानी का उपयोग किया जाता था। बैसली नदी के किनारे बने एक बुर्ज के अंदर बने विशाल कुएं से रेहट के जरिए नालियों के माध्यम से इस स्नान घर तक पानी पहुंचाया जाता था। तो रानी नहाने के बाद सामने बने शिव मंदिर में दर्शन के लिए जाया करती थी। तो अब मंदिर तक पहुंचने के रास्ते में आपको जगह जगह पर ऐसी झाड़ियां नजर आएंगी,
जिनको पार करने के बाद आप पहुंच जाएंगे मंदिर के परिसर में। तो ये उस जमाने में शिव मंदिर हुआ करता था और यहाँ बीच में एक शिवलिंग भी स्थापित था। लेकिन अनेकों युद्ध और मौसम की मार से किले का ये भाग भी क्षतिग्रस्त रूप में ही दिखाई देता है। यहाँ की दीवारों और छत में भी जंगली पेड़ पौधों और झाड़ियों ने अपना घर बना लिया है। किले के इस भाग को नृत्य घर या संगीत महल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वो जगह है जहाँ राजा तरह तरह के नृत्य और संगीत के कार्यक्रम आयोजित करवाते थे, जिन्हें देखने राजा रानी समेत उनकी सारी प्रजा इस जगह पर इकट्ठी हो जाती थी और यहाँ का माहौल बहुत ही खुशनुमा हो जाया करता था। इस जगह को रंग महल नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि होली और बाकी त्योहार भी यहाँ बहुत धूमधाम से मनाए जाते थे। यहाँ भी आप देखेंगे के बीच के हिस्से में बनी इमारत की छत ध्वस्त हो चुकी है और अगर हम यहाँ बने कमरों में जाएंगे तो वो भी आपको टूटी फूटी अवस्था में ही दिखाई देंगे। स्थानीय नागरिक बताते हैं कि कुछ समय पहले यहाँ एएसआई के कुछ लोग दौरा लेने आए थे और उनमें से एक व्यक्ति इस छत के टूटने से नीचे गिर गया था और उसको काफी चोट भी आई थी। तो ये साफ पता लगता है के 500 साल पुरानी ये इमारतें अब काफी कमजोर पड़ चुकी हैं। इसकी छत अब ज्यादा भार नहीं सह सकती हैं। आइए अब आपको यहाँ बना शादी का मंडप दिखाता हूँ। तो इस रंग महल से थोड़ा आगे चलने पर आप इस कक्ष में पहुंच जाएंगे जो कि उस जमाने का मंडप हुआ करता था। राजा महाराजा के समय इस जगह पर शादी ब्याह वगैरह हुआ करते थे और यही नहीं बल्कि यहाँ यज्ञ भी किए जाते थे। इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ परिक्रमा करने के लिए चारों ओर ऐसे रास्ते बनाए गए हैं। कहा जाता है कि यहाँ राजा और रानी महल भी हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ ऐसे कोई भी महल नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ स्थित कई महल के बस अवशेष ही दिखाई देते हैं और कईयों का तो पूरी तरह से नामो निशान भी मिट चुका है। गोहद के किले के बगल में ही आपको गोहद का नया महल भी देखने के लिए मिल जाएगा। इस महल का निर्माण सन 1780 में जाट राजा छत्रपति सिंह ने करवाया था। नए महल में काफी लंबे समय तक तहसील न्यायालय, कोषालय और शासकीय भवन लगते थे, जिन्हें बाद में यहाँ से हटा दिया गया। लेकिन अब भी आपको यहाँ की ये दुर्दशा देखने के लिए मिलेगी। इस महल के अंदरूनी दीवारों और मुख्य द्वार पर सफेद पत्थर एवं चूने का सुंदर प्लास्टर किया है। इस प्लास्टर पर ईरानी शैली के नक्काशी से पेड़ पौधे पत्तियां बनाई गई हैं। यही नहीं बल्कि इस महल की खिड़कियां पत्थरों की नक्काशी करके बनाई गई है, जो कि देखने में बेहद सुंदर लगती है। तो ये था गोहद का किला और नया महल और इनसे जुड़ा रोचक इतिहास और तथ्य। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास इमारत का वीडियो आपके लिए बनाऊं, तो उस जगह का नाम नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।